हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और अभी बजे सुबह के 9:15 और अभी तक मैं काम कर रही हूँ। अश्विन चले गए दुकान पे क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, तो सबको पहले हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज के दिन हमारी जो यहाँ पर शॉप हमने रखी है उसका ओपनिंग है, तो उसका मुहूर्त है सुबह 10:30 से 12 तक का। तो अभी अश्विन गए है वहाँ पर, फूल हार वगैरह ले जाएंगे और साफ सफाई कुछ करेंगे, और फिर अगर टाइम मिला तो मुझे भी ले जाएंगे। तो जो टाइम है 10:30 से 12 तक का, उसमें हम मुहूर्त करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आज है शिवरात्रि, तो किसी को नाश्ता नहीं करना था, हम डायरेक्ट दोपहर का फराल ही करेंगे क्योंकि सबका आज उपवास है। तो हम दोपहर के फराल में क्या बनाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं सुबह का बासी काम कर रही हूँ, तो काम करके फिर आपको मिलते हैं दोपहर के फराल में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, अभी 10:30 अश्विन मुझे लेने के लिए घर पे, और हम आ गए वापस यहाँ दुकान पे। तो अभी जो मुहूर्त है वो हम करेंगे, और अभी देखिए दुकान पे सब काम चल रहा है, तो मैं आपको बाहर से पूरा दुकान दिखा दी हूँ। तो देखिए ये है गुरु कृपा गोला आइस टेस्ट, जो हमने यहाँ पर शॉप चालू की है वो है। अभी मैं वापस दुकान से यहाँ पर अश्विन मुझे छोड़ के गए हैं, और अभी हम मैं बना रही हूँ फराली राजग्रह की पूरी। तो कैसे बनाते हो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, तो चलिए। तो ये मैंने सबसे पहले उबाला हुआ एक आलू लिया है बॉईल करके। तो ये एक आलू है, फिर इसमें मिर्च ऐसी छोटी छोटी कट करके मैंने डाली है, फिर ये गाजर है उसको ग्रेट कर लिया है, और केबेज को भी ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम राजग्रह का आटा डालेंगे और उसके बाद मसाले करेंगे। अभी ये मासी राजग्रह और मोरिया का मिक्स आटा लेके आए हैं, तो हम ये आटा इसमें डालेंगे। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं, जितनी हमें पूरी बनानी है उसके हिसाब से हम आटा डालेंगे। अब इसमें हम मसाले करेंगे, तो लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच जितना डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अनुसार। और अब इसमें जाएगा नींबू। अब इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे, 1 नींबू डालेंगे, और बस इसका नींबू का जूस जो है वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर, जितना हमने नींबू डाला है उसके हिसाब से। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसका एक आटा गूंद लेंगे मिक्स करके। तो ये मैंने देखिए आटा ऐसे गूंद लिया है, अगर इसमें ज्यादा जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल के फिर इसकी हम पूरी बेल लेंगे। तो ये थैली के ऊपर हम ऑयल लगा के फिर ऐसा गोला बना लेंगे,
फिर ऊपर एक पेपर को ढके, जैसे हम पापड़ बनाते हैं बस वैसे ही करेंगे, वरना ये हाथ में थोड़ा चिपकेगा, इसलिए बस इसको घुमा घुमा के फिर बेल लेंगे। तो हो गया, हल्के हाथ से बेलना है। फिर पेपर हटा के इसको रख देना है पेपर के ऊपर। तो हो गया, ऐसे हम सब पूरी बेल लेंगे। ये मैंने पूरी फ्राई कर ली है और बेलने से अच्छी नहीं हुई थी, तो ये देखिए मैंने बेल के भी रखी है, ये बेली हुई पूरी है। और फिर हाथ से ऐसे थेपली करते हैं ना, वैसे ये पूरी करी की है मैंने, तो एकदम सॉफ्ट भी होती है, इसलिए मैंने ऐसी भी की थी और बेल के भी की थी। तो आप ये सब पूरी देख सकते हो, ऐसे मैंने फ्राई करके रख दी है। और उसके साथ आज है वेफर, फिर पीनट्स, उसको भी फ्राई किया है, मिर्च है, और ये है आलू की सब्जी। तो ये सारा का सारा मेनू आज का दोपहर का है। तो जब अश्विन आएंगे तब हम लंच करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम सबने फराल कर लिया है और मैं काम करके हो गई हूँ फ्री, और अभी अश्विन बैठे हैं तो अश्विन से बातें करते हैं। जल्दी फराल कर लिया? हाँ, फराल कर लिया, थोड़ा लेट है। कैसा रहा? क्या फराल? फराल मस्त है। और आजकल क्यों दिखाई नहीं देते हो? पूरी खाया, आलू का सब्जी खाया, और थोड़ा सा वेफर खाया, थोड़ा सा सिंगदाना खाया। हाँ, तो फराल होता है ना, तब थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल उपवास करना चाहिए, लेकिन हम इतने भूखे नहीं रह सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा फराल चलता है। तू तो पूरा थाली भर के खाती। तीन लोगों का एक साथ? नहीं 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 नहीं, मैं अपने हिसाब से एक का ही खाती हूँ। पेट भर के? हाँ, पेट भर के फराल तो चाहिए भाई। और बताओ, आजकल क्यों दिखाई नहीं देते है? बस थोड़ा शॉप का काम कर रहे हैं, अब आज चालू किया है शॉप, इसके लिए। हाँ, तो कल से वीडियो में दिखाई दोगे ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई देंगे। हाँ, बस ऐसे बातचीत करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे व्यूअर को भी अच्छा लगेगा। ऐसा है? हाँ, ऐसा है। उसको आइस बिस गोला कभी दिखाएंगे, खिलाएंगे तो आएगा तो नहीं इधर? क्यों नहीं आएंगे, अगर आप इनविटेशन दोगे तो सबको आएगा। ठीक है, सोचेंगे। हाँ ठीक है, चलो। यहाँ पर देखिए, मौसी और मैं आए हैं, हमारी एक ये हमारे एक दूसरे मौसी है उनके घर पे। तो ये सब कल आए थे ना मेले में, वही है। तो सूरत में भी साड़ियाँ और यहाँ पर भी साड़ियाँ देखिए, लेकिन यहाँ पर रेट कम देते हैं, क्योंकि सूरत से यहाँ आती है तो कमीशन निकालते हैं सब, तो ये सब साड़ियाँ बना रहे हैं। और साड़ियों के साथ साथ देखिए यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, तो अंदर एक और लड़की नाश्ता बना रही है, मैं उसके पास लेके जाती हूँ। देखिए उपवास के दिन लाइव केले का वेफर यहाँ पे हो रहा है, चकाचक। आमा के मसालों नहीं नाखो बची। देखिए ये फ्राई कर रही है, लड़की छोटी है लेकिन खाना बहुत अच्छा पकाती है। वेफर बना के सबको खिला रही है। एक केले का लाइव जो वेफर बनाते ना घर पे, वो भी देखिए एकदम क्रिस्पी बनता है। तो हर एक केले का ऐसा मस्त क्रिस्पी वेफर बनाया है। तो अभी ये जो और केले है उसके भी उसकी भी वेफर बनानी है, तो बनाएगी लड़की। ये यहाँ पर वेफर बना रही है, बाहर सब लाइव वेफर खा रहे हैं, और मैं ऐसे आटा पाटा कर रही हूँ मौसी के घर पे। तो फ्रेंड्स, इसी धमाल मस्ती के साथ आज के वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं कल।